हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम नील विजय और आज हम रिपेयर करने वाले हैं इंटेक्स एक्वा 3G+। जो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो दोस्तों इसका मदरबोर्ड में से अगर आपको लगता है कि डिस्प्ले में लाइट आ नहीं रहा है तो आपका मदरबोर्ड ठीक होगा। अगर मदरबोर्ड ठीक होगा तो आपको डिस्प्ले में से चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वाला मदरबोर्ड है, तो ये अच्छी तरीके से इसमें दूसरा डिस्प्ले की एलईडी आती है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है उसका पुराना डिस्प्ले की एलईडी आती है, लेकिन उसके लिए नए डिस्प्ले की एलईडी आ नहीं रही। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते। तो देखिए दोस्तों ये डिस्प्ले है, तो आज हम उसको ओपन करेंगे। मैंने पहले इसे कर देखा है। तो देखिए दोस्तों एलईडी, और देखिए दोस्तों ये जो है ये प्लस माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। ये देखो प्लस और माइनस है, तो हमें क्या करना है, उसका पुराना जो एलईडी का पट्टा है उसको काट देना है। पूरा काटना नहीं, थोड़ा सा काटना है। तो जम्पर लेके तो देखिए यहाँ से यहाँ पे डबल आपको करना है शोल्ड, और इस पर सिंगल करना है। तो आपको बता देता हूँ किस तरह से किया जाता है। अब हम चेक करेंगे इसको मदरबोर्ड में डाल के। ड्राइवर टेस्ट है दोस्तों, ये मैंने पहले तैयार करके रखा था सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। आप मदरबोर्ड में काम करना शुरू कर देंगे तो आपके मसला हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दिया है। तो डिस्प्ले से कनेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मदरबोर्ड अच्छा होगा तो डिस्प्ले में एलईडी आ नहीं रहेंगे, तो पुराने डिस्प्ले की एलईडी भी डाल सकते हैं निकाल के, या फिर ये जो रहता पट्टा एलईडी का उसमें मसला आता है दोस्तों जो चाइनीज। तो दोस्तों जम्पर गलत है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ उसको चेक करके। देखिए दोस्तों एलईडी आ गई है। आपको ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं कुछ करने की। ये जो अगर मदरबोर्ड में से मसला नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले की एलईडी जो रहती है तो उसमें जो कंपनी क्या करती है, तो उसकी जो पट्टा रहता है वो घुमा के या आड़ा तिरछा करके डाल देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्प्ले एलईडी कम भी आती है एलईडी, या फिर एलईडी आती नहीं है। तो आप इस तरह से सॉल्व किए करें। अगर अंदर प्रॉब्लम होगा तो वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और सबसे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मसला जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। चलो दोस्तों बाय बाय। और तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपको इस मॉडल में या कोई भी नया मॉडल में एलईडी कोई प्रॉब्लम आया होगा तो मुझे ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं अपना वाला फेसबुक लिंक और अपना वाला व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो आप उसमें मैसेज ज़रूर कीजिए। तो मैसेज के साथ साथ अपने या दुकान का नाम आप मुझे भेज सकते हैं कि किस मॉडल का किस प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो सॉल्व करके व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। तो आप कर सकते हैं। जो भी मेरे वीडियो रहेंगे दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा टेंशन देने वाला काम नहीं करूँगा, सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दूंगा कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आप मल्टीमीटर ले और उनको
बजर रेंज पे या वोल्टेज रेंज पे के साथ आप कम गिनो या फिर उसके साथ जो भी शॉर्टिंग है वो बताएंगे, तो आपको ये भी रहेगा, तो कस्टमर आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता आप कहाँ से कहाँ शॉर्ट करो। तो मैं यहाँ पर उसको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और आपको सीधे बता दूँगा कि इस तरह से ये प्रॉब्लम है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आसानी से, जल्दी आप सॉल्व कर देंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलिए और घंटी वाला बटन दबाइए, फिट करके बता रहा हूँ आपको। देखिए 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 देखिए।